मुझे इन पुरानी टैक्सियों में सफर करने की आदत कभी नहीं पड़ेगी। मेरी कमर। आपका सूटकेस उठाऊं सर? हाँ, तुम मुझे कमजोर समझते हो ना? आपका ये सूटकेस तो बहुत भारी है सर। इसके अंदर क्या है? किताबें। मैं नया लाइब्रेरियन हूँ। कितना हल्का सूटकेस है। मेरी तो कमर की हड्डी सरक गई। चलो अंदर जाओ। चलो। आपका यहाँ स्वागत है प्रोफेसर बीगलबॉयस। वापस आते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सदियों बाद वापस आया हूँ ना। जरा संभल के प्रोफेसर। मास्टर में गलती हो गई। हमें रिकॉर्ड बनाना है। प्रोफेसरों को गिराने का क्या? इस बार तुम मुझसे नहीं जीत सकती कैसी। तुम मुझसे नहीं जीत सकते समझे गस। अपनी हार मान लो। पेड़ों के बीच अक्सर ऐसा ही होता है। शाखें मुसीबत खड़ी कर देती हैं। आहा, अभी भी 17 सेकंड पीछे हो स्कूल रिकॉर्ड से जो कैसी ने बनाया था। अरे अरे, क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त को? देखो, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अरे, मिस क्रिस्टल गेजर से कौन हाथ मिला रहा है? ये बीगलबॉयस होगा, नया लाइब्रेरियन। हाँ, मेरे पापा ने मुझे बताया था ये बहुत ही बड़ा जादूगर था। था? उसने जादुई लाइसेंस खो दिया। शायद कोई गलती हो गई थी, ऐसा सुनने में आया है। ऐसा क्या? मैं इसलिए हारा क्योंकि वन ने पेड़ों पर जादू कर दिया था, है ना वन? हाँ, अब तो ऐसा ही कहोगे। बकवास है गस। मुझे चैंपियनशिप जीतने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं। सिर्फ तुम दोनों ही रेस में नहीं हो। मैं तुम दोनों को ये बता दूं कि बॉर्जिया ने नई हवाई स्कूटर खरीदी है। हाँ, अच्छा जादू है, लेकिन मुझे इससे अच्छा जादू आता है। जब मैं फ्लोरेंस में था तब सीखा था मैंने ये अजीबो गरीब जादू अपने गुरु ऑटो टुंटुन वाला से। हाँ, बदल ले खाने तू कीड़ों में। हाँ, ये जरा मुश्किल जादू था मगर बच्चों मैंने कर दिखाया है ना। प्रोफेसर बीगलबॉयस, हमें अपने विद्यार्थियों को ऐसे खतरनाक जादू नहीं दिखाना चाहिए, समझ गए? मुझे अफसोस है मिस क्रिस्टल गेजर, पता नहीं मुझे कैसे हो गया। अरे, वो बूढ़ा तो अच्छा जादूगर है। हाँ, उस बूढ़े ने बॉर्जिया को अच्छा मजा चखाया। दोस्तों, मैं सोच रही थी कि काश बीगलबॉयस हमें भी वो जादू सिखा सकता। बताया उस बूढ़े ने जो जादू दिखाया वो शायद मैंने कहीं पढ़ा या सुना है, पर मुझे ठीक से याद नहीं आ अच्छा? रहा। मेरी प्यारी रानी क्यूरी, उस काले प्लेग का इलाज मैं जानता हूँ अच्छी तरह से।
देखो गैलन, ज्यादा बकवास मत करो। आधुनिक विज्ञान ने हमें बताया है कि उसका इलाज पेनिसिलिन है। अरे सुनो, जब मैं सन 1340 में रोम के राजा का मेहमान था तो उसने मुझे बताया कि प्लेग का सबसे अच्छा इलाज है चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठना। हाँ? हो सकता है। सही सही है। ये तो कमाल का आदमी है ना दोस्तों। अरे वाह, इसे कितनी जानकारी है। अच्छा अब तुम ये मत कहना कि तुमने ये भी कहीं पढ़ा है। शायद पढ़ा है। मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। वो किताब यही होनी चाहिए। ये रही। हाँ, यही वो किताब है जिसमें मैंने वो सारी बातें पढ़ी थी। और इसी किताब में वो काले प्लेग की कहानी भी लिखी है। हाँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अजीब। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। हुआ मेरे बेटे? वो उसकी हरी नाक थी, नुकीली सी, और उसके बड़े बड़े हाथ थे। गॉब्लिन, बड़े अजीब जानवर होते हैं ये। एक बार मैं माउंट एवरेस्ट पर स्कीइंग कर रहा था तो कुछ गॉब्लिन ने हमला कर दिया। बाप रे। और तब तो मेरे पास जादू की छड़ी भी नहीं थी। हे वन, जरा देखो तो सही। अच्छा ब्रेक लगाया। हाँ मैं जानता हूँ वन, और जानते हो मुझे ये बीगल बॉयस ने सिखाया है, जो उन्होंने खुद हजारों सालों पहले सीखा था प्राचीन रोम में। सुनो गस, कल रात लाइब्रेरी में मुझे वो किताब मिली थी जो अभी नहीं। और अच्छा, तुम्हारे उस कैसी को बता दे रहा कि इस बार वो मुझसे नहीं जीतने वाली। मगर अब ये मत कहना बीगल बॉयज ने सिखाया है। हाँ, आज सुबह ही उन्होंने सिखाया है। याद है गस ने कहा था कि बीगल बॉयज ने जादुई लाइसेंस खो दिया है चीजें भूल जाने की वजह से। मैं जानता हूँ उसकी याददाश्त कैसे वापस आई। बीगल बॉयज ने ये जादू सीखा था कॉन्स्टेंटिनोपल में। अब गस मुझे कभी नहीं हरा सकेगा। मुझे वो किताब मिल गई है जिसमें से कहानियाँ चुरा कर बीगल बॉयज हमें सुनाता है। क्या कहा, कहानियाँ चुराता है? लेकिन पता है उसके पन्नों पर कुछ भी नहीं लिखा है। तुम पागल हो वन, आखिर तुम प्रोफेसर बीगल बॉयज से इतना चिढ़ते क्यों हो? हाँ, हमें जादुई किताब से बात करनी चाहिए। पार्टनर, अभी मुझे प्रैक्टिस करनी है। हाँ ठीक है, मैं ये काम खुद ही कर लूँगा। शेख अली ने हमला किया तो भागने का रास्ता ही नहीं था मेरे पास। फिर तुमने क्या किया? करना क्या था,
मैंने वही जादू आजमाया जो खुद मुझे सिखाया था हाजी बाबा ने। और हाँ, थोड़ा अपना बनाया हुआ जादू भी किया था मैंने। और फिर उस शेख अली को हरा दिया और गिरा दिया। ये सब बकवास है। ये कहानी स्वॉशबकलिंग स्वॉर्ड्स की है, एक मशहूर किताब जो एक महान जादूगर ने कई सालों पहले लिखी थी। क्या मेरी कहानी किसी जादूगर ने चुरा ली? लेकिन कैसे? अरे ये क्या कह रहा है? नहीं, ये सच है। अच्छा, तुम सच्चे हो और ये जादू के प्रोफेसर जो कह रहे हैं ये सब झूठ है? हाँ, बल चलो यहाँ से। अरे बल, तुम सब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? हुजूर, हुजूर। नहीं, मैं बताऊंगा। नहीं, मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा। पहले मैं। क्या तुम लोग गोब्लिन की रिपोर्ट लाए? अरे तो हाँ मेरे जनाब, मैं आपको सारी रिपोर्ट देता हूँ, बस सुनते जाइए मुझसे। बको जल्दी। अरे तू क्या देगा रिपोर्ट? मैं दूंगा मेरे हुजूर, मैं। अब तुम लोग रिपोर्ट देते हो या नहीं? उसका नाम बॉस बीगल है। उसका नाम बीगल बॉयस है। अब रिपोर्ट दो, नहीं तो जला कर खाक कर दूंगा। जब बीगल बॉयस किताब पढ़ता है तो पन्नों में से शब्द गायब हो जाते हैं। यानी सारे शब्द उसके दिमाग के अंदर घुस जाते हैं। मैं इस बात का पूरा पूरा फायदा उठा सकता हूँ। मैं उससे ये किताब पढ़वाऊंगा। मुझे झगड़ा बंद करो तुम लोग, और ये किताब उस नए लाइब्रेरियन को ले जाकर दो। हाँ, हम अभी जाते हैं। और कोई गलती ना हो। नहीं होगी, नहीं, कभी नहीं। यूबोस, जल्दी हमें कुछ बताओ उस बीगल बॉयज के बारे में। हाँ हाँ यूबोस, इसे जल्दी बता दो तभी ये शांत होगा। बीगल बॉयज, नाम तो सुना हुआ है। जो कहानियाँ वो हमें सुनाता है वो सारी झूठी है ना? नहीं नहीं, सब सच है। क्या सच है? क्यों, अब यकीन आया? मैं जानता हूँ वन, तुम साबित करना चाहते हो कि हमसे तुम अलग हो। हम उसे पसंद करते हैं ना, इसीलिए तुम उसे पसंद नहीं करते। मैं जानता हूँ वो झूठा है, चाहे यूबोस कुछ भी कहे। ये तुम क्या कर रहे हो? देखता हूँ आज नया क्या है। जरा खोल कर देखूं तो सही, ये किताब किसी ने तोहफे में भेजी है, लेकिन किसने भेजी होगी? मेरा कोई चाहने वाला होगा। पृथ्वी के मध्य का सफर, ये किताब तो बहुत ही मजेदार होगी। चलो शब्दों, मेरे दिमाग में समा जाओ। अब बात मेरी समझ में आई। समा गए दिमाग में। तो
ये है बीगल बॉयज का राज। सुनो दोस्तों, मेरे पास सबूत है। अच्छा, क्या सबूत है? किताब के शब्द उसके दिमाग में समा जाते हैं, इस तरह जैसे। तुम भूल गए यूबोस ने क्या कहा था? जो कुछ बीगल बॉयज ने कहा था वो सब हुआ था। मेरी बात तो सुनो। अब चलो यहाँ से, वरना हम लेट हो जाएंगे। किसी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं होता। मेरी तुम से पैर हटाओ। माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं देखा मिस क्रिस्टल गेजर। लगता है तुम कुछ परेशान हो। क्या बात है, मुझे कुछ बताओगे? वो क्या है, मेरी मनपसंद किताब के शब्द गायब हो गए। पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। अभी जादू की छड़ी से ठीक कर देती हूँ। शब्दों वापस आओ। शुक्रिया मिस क्रिस्टल। केजा, कहाँ गायब हो गई वो? सारे शब्द दिमाग में समा जाओ। वन, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो बीगल बॉयज करता है, खुद देख लो। देखो, अब यकीन हुआ? वाह, गस को तुमसे माफी मांग लेनी चाहिए वन। सिर्फ गस? मुझे भी। एक बार फिर से कहो। अरे हम तुमसे कितनी बार माफी मांगे हाँ। चलो अब देखते हैं बीगल बॉयज को। अच्छा, क्या नाम बताया था तुमने उस किताब का? उस किताब का नाम था पृथ्वी के मध्य का सफर। आखिर इस नाम की किताब भला कौन भेज सकता है? तुम लोग जाकर यूबोस को ले आओ, मैं जाकर बीगल बॉयज को देखती हूँ। प्रोफेसर बीगल बॉयज, क्या आप जा रहे हैं? जा रहा हूँ, नहीं तो कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। कैसी? अभी कुछ मत कहो गस। अरे मेरी बात तो सुनो ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी आई प्रोफेसर। बोलो क्या कहना है तुम्हें? हमारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कैसी, यूबोस गायब हो चुका है। मुझे लगता है बीगल बॉयज ने उसे चुराया है। वो चला गया, अब क्या करें? इसके पीछे जारलेक का हाथ होगा। लेकिन यूबोस के बिना जारलेक तक पहुँचेंगे कैसे? इसकी मदद से। लेकिन इसमें शब्द नहीं है। आ जाएंगे। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया वन। अब चलो साले की गुफा में चलते हैं। अरे 3 घंटे से यूं ही भटक रहे हैं, काश यूबोस हमारे साथ होता। हमें उस बीगल बॉयज को जल्दी ढूंढना होगा। वहाँ कोई है? वो देखो वहाँ, आओ मेरे साथ। वो जा रहा है, देखो। इसे मेरे हवाले कर दो प्रोफेसर। क्या? ये क्या हुआ? लगता है मैं नींद में चल रहा था। क्यों बोल? तुम्हारे शब्द उसके दिमाग में नहीं समाए? कई जादूगरों ने कोशिश की मगर फेल हो गए। लेकिन मैं कभी फेल नहीं होता। हजारों साल पहले इससे भी बड़े और खतरनाक जादूगर को हराया था मैंने। बताओ कैसे प्रोफेसर, जल्दी बताओ। हाँ बताता हूँ। ओला का ओला, बंजा पत्थर का काला। अब ये करेगा काम। चलो यूबोस, जल्दी यहाँ से बाहर निकले। चलो पत्थर का गोला आ रहा है। आने दो। मुझे दे दो वो किताब। चलो यूबोस। ओह ये अजीब बात है, क्या अब मुझे तुम्हारे अंदर समाना होगा? ये कैसे हो गया? ये तो कमाल हो गया। किताबें मेरे दिमाग में समाती हैं, मैं इस किताब में पता नहीं कैसे समा गया। माफ करना प्रोफेसर, मगर तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हें भुलाना पड़ेगा। अरे मैं तो लाइब्रेरी में था, यहाँ कैसे आ गया? क्या भूल गए प्रोफेसर, आप हमारे साथ हवाई स्कूटर की रेस में हिस्सा लेने वाले थे।
मजा आ जाएगा। ये दो हवाई स्कूटर किसके हैं कोई बताएगा मुझे? ये हमारे हैं। चलो जादूगरनी का राज होगा, उसके सर पे ताज होगा। जानते हो जब मैं छोटा था तो हवाई स्कूटर का चैंपियन था और हवाई स्कूटर चलाना मैंने सीखा था अबू सिंबल से।